हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस, थोड़ा सा बाहर से कुछ नॉइज आ रहा होगा, उसको तो माइंड मत कीजिएगा। तो अभी थंबनेल वाले समझिए किस टॉपिक पर हम लोग का व्लॉग होने वाला है। जी हाँ, DPL दानापुर प्रीमियर लीग बलदेवा स्कूल में हो रहा है दानापुर। अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे और इसको थोड़ा सा वीडियो जो है ना नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि डिमांड पे था। मेरा प्लान था कि फाइनल में सीधा जाने का, पर कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ वाले कि अभी आके थोड़ा सा शूट कर लो, फिर बाद में फाइनल का कर लेना। तो नॉर्मल रहेगा वीडियो, ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट मतलब रहेगा, मतलब देख लो और मिलते फिर फाइनल में एकदम झक्कास वीडियो के साथ। तो चलो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे और देखते हैं कैसा है, क्योंकि मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं सीधा वहाँ पे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फॉर मोर अपडेट्स इंस्टाग्राम जिंदाबाद, नीचे आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो जल्दी। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बलदेवा स्कूल में और अभी राहुल भाई की वेट चल रही है। राहुल भाई आते हैं तो फिर हम लोग मैच की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं क्या मैच चल रहा है। और इस टॉपिक के ऊपर हमारा व्लॉग बनाने का बहुत ही पहले था, पर कुछ कुछ रीज़न और राहुल भाई फ्री नहीं थे, इस कारण से हम लोग आ नहीं पाए। पर अभी टाइम मिल गया तो आ गया छोड़े कप्तान प्रेम ने और साथ में बाउंड्री दिया। अंपायर का वाइट का इशारा, हमारे दो प्रतिष्ठित अंपायर विल्ली बॉर्डन और कुमार धमसेना और स्ट्राइक पे आपका टप्पा। डॉट गेंद, हवा में गेंद, नीचे फील्डर पोलार्ड द्वारा बहुत शानदार कैच। इसको मिला के 45,000 हो रहा है, 17,000 लगा दे मिला यार। ओके, शाहरुख खान और वीवी वीआईपी बॉक्स में दो लोग बैठे हुए हैं, एक लाल टी शर्ट पहनकर और एक ग्रे कलर का टी शर्ट पहनकर। और यहाँ से मैच देखने का नजारा बहुत ही शानदार होता है, शानदार बॉलिंग। और कल का मुकाबला बलदेवा वॉरियर्स वर्सेस चैंपियंस 11 के बीच खेला जाएगा इसी ग्राउंड में। डॉट गेंद फायदा नहीं उठा रहा, फिर का सिंगल सेशन तो सोना पड़ेगा बीड़ू को। फिर उठे पड़ेगा तो जाओ जाओ तुम को बात करो। क्या चीज हो गया? और डॉट गेंद कौन कर रहा था? कहा था बारीक वाला जी और इसी के साथ और स्कोर कार्ड कुछ इस प्रकार है। शंकर 12 रन बनाए 17 बॉल में रन पे। जैसा कि आपने पहला वाला जो वीडियो देखा वो थे तूफान क्लब्स के, जो कितना रन बनाए, 34 रन बनाए ऑल आउट पे। और अभी बैटिंग करने आ रहे पेठिया पैंथर्स, उसका भी वीडियो देखिए। मिलते हैं फिर लास्ट में आपसे। नामी रहता है ना, उतना लंबा लंबा चक्कर रहता है बैटिंग में, जो लंबा नामी रहता है। बल्लेबाजी पे आया रोशन और दूसरे तरफ विकेट, काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे राहुल द्वारा, कमाल का यॉर्कर। मौका छूट रहा है यहाँ पे तूफान क्लब की टीम से, जब कम रन के डिफेंड करना हो तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते आप। स्ट्राइक पे है प्रशांत और बॉलिंग पे राहुल। डॉट गेंद और बॉल के पीछे फील्डर ने खेल का इशारा। बोला था पहले नहीं था कहीं बढ़ रहा
डॉट गेंद विकेट प्रशांत के रूप में, तीसरा विकेट प्रशांत के रूप में, सारा शशांक नाम है, प्रशांत नाम है, शानदार बॉलिंग करते हुए निखिल गेंद पीछे फील्डर और शानदार प्रयास यहाँ पे शंकर द्वारा, लेकिन कैच छूटा, लेकिन प्रयास के पूरे 10 मार्च। और बहुत ही अच्छे समझदारी से खेलते हुए गोलू, अब मात्र 10 रनों की आवश्यकता 34 बॉल में। डॉट गेंद करते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ है। डॉट गेंद भाई, आज के मैच के विनर जो है गोलू है, और आपका टीम कौन सा था? हाँ, तो एक बार मेरे सब्सक्राइबर को हाई कर देना, आप ऐसे हाई कर दो ऐसे। हाँ, तो ये है आज के मैन ऑफ द मैच। तो मिलते हैं फाइनल के दिन जल्दी। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि दानापुर में DPL चल रहा है, दानापुर प्रीमियर लीग, तो इनसे पूछते हैं, यही है यहाँ के हेड, तो पूछते हैं भाई आपका नाम क्या हुआ? ये हमारा नाम लक्की हुआ। तो मतलब क्या, मतलब कौन सा, किसके थ्रू कॉन्सेप्ट आया कि दानापुर में DPL कराया जाए अभी? देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पूरे टीम की तरफ से था। अच्छा। और हम लोग बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे जब हम लोग खुद खेलते थे। अभी तो हम मुझे क्रिकेट छोड़ा हुआ काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन जब हम क्रिकेट खेलते थे तब से ही मेरे दिमाग में आता था। मेरे साथी गुलशन सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते और राहुल, इन लोग साथ में थे, और इन लोग का, राहुल का सबसे बड़ा योगदान रहा, उनका दिमाग रहा, वो स्पॉन्सर से बात किए, सबको पकड़ कर ले आए, और सिद्धार्थ का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। ये सभी लोगों को एकजुट किए, और सभी लोग, यहाँ के लोकल लोग, सभी लोग के सपोर्ट से ये टूर्नामेंट आज हुआ और बहुत अच्छा रहा। मैच कब स्टार्ट हुआ था आपका? मैच तो हमारा 27 को स्टार्ट हुआ। और फाइनल कब है? फाइनल 19 को खेला जाएगा, और बहुत से यहाँ के सम्मानित लोग आएंगे फाइनल के दिन। जैसे मैं हमारे रीतलाल यादव, और चेयरमैन, यहाँ की चेयरपर्सन जो है अनु देवी, और वार्ड पार्षद, कई वार्ड के वार्ड पार्षद भी रहेंगे। तो गाइज, मिलते हैं फाइनल के दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग।